congratulations for soon, ma. Chitrangada, आप इतनी बारिश में ऐसे झेलते हुए सब कुछ, you know, सब आप पहुंची हैं. And I'm sure it's the reason Surma. और Surma एक ऐसी फिल्म है जिस पर proud फील करना बनता है. मेरी संदीप सिंह से बात हो रही थी, मेरी शाद से बात हुई, मैंने इंद्रजीत के साथ बातें की. एंड फाइनली आई एम सो लकी कि मेरी आपसे बात हो रही है. सुनिए, ये कॉन्सेप्ट किसका है कि संदीप सिंह की लाइफ पर बनाई जाए सुनवा? मैं एक्चुअली संदीप सिंह को मिली थी 2014 में एक मेरे फ्रेंड के साथ. ही वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. एंड मैं जानती थी कि उन्होंने मतलब इंडिया कैप्टन है वो संदीप. मुझे कुछ नहीं पता था कि उनके साथ लाइफ में क्या हुआ है. सो उसी दौरान मैं कुछ कहानियाँ लिख रही थी. आई वॉज राइटिंग माई सेल्फ. सो देन व्हेन आई मेट हिम आई स्टार्टेड रिबल स्टोरी. या इतनी ड्रामेटिक स्टोरी रियल लाइफ में मिल ही नहीं सकती. फिक्शन में हो सकती है लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो सकती है, यू नो. सो दैट्स द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड कि ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी. खुशियों का लंच बॉक्स है सूरमा, जो फिल्म आपकी भी खुशी है. 13th of July जरूर जाइएगा इसे देखने के लिए. बाकी अगर आप लोगों के पास कोई सवाल है सो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच चित्रांगदा. थैंक यू फॉर योर लिटिल लंच बॉक्स. चित्रांगदा, इतनी बारिश है तो भी आप अपनी पिक्चर की प्रमोशन के लिए आए, इससे मालूम पड़ता है कि कितने करीब है आप सुरमा आपके लिए. बहुत ज़्यादा करीब है. और अब इतने साल अगर हमने मेहनत करी है तो आज की बारिश का तो खैर कोई वो नहीं है. लेकिन थैंक यू कि आप सब यहाँ पर आए. एंड बहुत ज़्यादा बारिश है आई नो, लेकिन 13th July को सुरमा रिलीज़ हो रही है. और एक बहुत ही मेहनत से और प्यार से हमने ऑलमोस्ट हमको 2.5 साल लगे हैं मुझे कि मैं आज यहाँ बैठकर सुरमा की बात कर रही हूँ. सो आई थिंक होपफुली लोगों को पसंद आएगी फिल्म. 2.5 साल की मेहनत और सिर्फ 2 दिन बाकी. क्या? यस सॉरी, डेट भी एकदम चुना, 13 जुलाई. 13 and 13th मतलब फ्राइडे द 13th. इट्स थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बहुत सारी कोइंसिडेंसेस लग रहे हैं. लेकिन एक सच्ची कहानी है. एक तरह से जो रियल लाइफ में जो हमारे हीरोज हैं उनको हम एक्नॉलेज कर रहे हैं. संदीप सिंह एक रियल लाइफ हीरो हैं. तो आज तक क्या होता है कि हम जो एक एस्पिरेशनल वैल्यू जो हम स्क्रीन पर देखते हैं उनकी होती है हीरोज की, जो फिक्शनल है जो लिखा जाता है. लेकिन ये सच में एक लाइफ, इसने एक बहुत ही ड्रामेटिक लाइफ जी है कि आदमी को गोली लगती है और फिर वो वापस खड़ा होकर इंडिया का कैप्टन बनता है. सो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल कहानी है, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगी थी. सो आई होप एवरीबॉडी लाइक्स इट. यू आल्सो कैन कम विद द लाइक देयर नो लाइक अ बॉलीवुड डिफाइन एज अ आइटम सॉन्ग्स और ड्रामेटिक और रोमांटिक. इस तरीके की मूवी से भी आप आ सकते थे. व्हाई यू चूज लाइक अ बायोपिक ऑफ दिस स्पोर्ट्स पर्सन? बायोपिक इसलिए चूज करी एक्चुअली, जब मैंने कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी मैंने आज तक शायद इतनी ड्रामेटिक कहानी मैंने रियल लाइफ में नहीं सुनी है. और वो भी अगर हम एक कंपेटिटिव स्पोर्ट की बात करें, एक प्रोफेशनल स्पोर्ट की बात करें, इस लेवल पे कि आप नेशनल टीम के कैप्टन बनते हैं और फास्टेस्ट ड्रैग फ्लिकर इन द वर्ल्ड बनते हैं, जबकि कि आपको कुछ साल पहले आप पैरालाइज थे, आप कोमा में थे, तो ये जो कमबैक है ये इतना स्ट्रांग था कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं बैठ के सोचती भी ये कहानी मैं खुद लिख सकती थी. और ये सच्ची में एक आदमी को हुई है, उसने जी है ये ज़िंदगी. सो आई थॉट कि ये कहानी बहुत ज़रूरी कहानी, इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी टू टेल. एंड दैट्स द रीज़न वाई मैंने ये इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी पहली फिल्म एज अ प्रोड्यूसर सुरमा है. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. यस, प्रोड्यूसर बनना बहुत मुश्किल काम है. एंड आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर ऑल प्रोड्यूसर्स, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना और सही लोगों को जोड़ना साथ में और उतना ही पैशन 2.5 साल तक कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल होता है. बट आई थिंक जब चीज़ें ठीक तरह से हो जाती हैं तो वो बहुत सेटिस्फाइंग होता है. सो आई होप लोगों को पसंद आए, जिससे कि ये जो जर्नी थी 2.5 साल की ये हम सबको लगे कि कुछ ना कुछ कहीं यू नो कामयाब हुए हैं. सो आगे चल के भी आप इसी तरह के लाइक बायोपिक हो या हम देखते हैं अक्षय कुमार जिस तरह की पिक्चर कर रहे हैं देशभक्ति वाली, उस तरह की स्क्रिप्ट भी आप सोच रही हैं कि निकल गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आजकल अगर हम सोसाइटी में देखें, पीपल वांट टू सी ट्रू स्टोरीज, वी वांट टू नो द ट्रूथ, यू नो.
ऐसा कुछ एक ट्रेंड है कि चाहे वो पॉलिटिक्स है या कुछ भी है, वी वॉन्ट टू नो वॉट द ट्रूथ इज़. सो जब कहानियाँ सच्ची होती हैं, अपनी होती हैं, तो पीपल रिलेट टू इट मोर. सो ऐसी कहानियाँ लोगों को पसंद आती हैं. सो यस, डेफिनेटली. एंड यू राइट, आई थिंक अक्षय हैज़ डन सम वेरी अमेजिंग फिल्म इन द पास्ट, यू नो, वेरी गुड चॉइसिस. सो या आई होप सो. दैट क्या होता है, कभी कभी कहानी आपको चुनती है. इट्स द अदर वे राउंड, यू नो, यू हैव टू बी लकी इनफ. सो आई होप आई एम लकी इनफ. लेट्स सी. Very much comfortable to work with Sanjay Dutt, like first time in a Sai BB Gangster 3. It's very much comfortable for you. कंफर्टेबल तो बहुत छोटी बात है. आई थिंक मिस्टर संजय दत्त के बारे में जितना मतलब हम सुनते हैं, और ही इज़ लार्जर देन लाइफ, एक जो उनका पर्सोना है, पर उनके साथ काम करके इतना कंफर्टेबल लगा. इट फेल्ट लाइक होम, लिटरली. वो इतने सिंपल एंड इतने हाउ डू यू से, बहुत ही मॉडेस्ट एंड हम्बल हैं. ग्रेट ह्यूमन बींग, यू नो, टू बी विद. इतना केयरिंग एंड जेन्युइनली केयरिंग. यानी कि ऐसे मतलब दिखाने के लिए या पोलाइटली कुछ कर दिया थोड़ा बहुत. ही जेन्युइनली केयर्स फॉर पीपल दैट ही वर्क्स विद, यू नो. ही सच अ गुड पर्सन, सच अ गुड मैन. या थोड़ा सा बीच में हुआ था, यस, लिटिल बिट ऑफ खींचातानी हो रही थी. लेकिन मेरे पार्टनर हैं दीपक सिंह, बिजनेस पार्टनर, एंड सोनी पिक्चर्स हैव बीन ऑन बोर्ड विद अस फ्रॉम डे वन. तो मतलब बहुत बहुत बड़ा एक थैंक यू टू सोनी फिल्म्स कि दे केम ऑन बोर्ड एंड दे हैंडल्ड एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली. या जैसे आपने कहा कि संजय इज लाइक ब्यूटीफुल पर्सन, संजय तो देखी होगी आपने? नहीं देखी होगी. पर वो आई मीन वो ही बात कर रहे थे, मिस्टर संजय दत्त वाज सेइंग दैट बहुत अच्छी फिल्म बनाई है, एंड ही वाज प्रेजिंग रणबीर. सो वी ऑल नो हाउ अमेजिंग ही इज. ही इज अमेजिंग. आई हैव टू से दैट. थोड़ी सी बिगनिंग में मुश्किल थोड़ा हुआ था, क्योंकि एक तो उस समय बायोपिक्स काफ़ी बन रही थी, तो एक वही होता है कि एक और बायोपिक, एक और स्पोर्ट्स के ऊपर, वो भी हॉकी के ऊपर. अच्छा, हम संदीप सिंह को तो कोई जानता नहीं है, तो वो थोड़े से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रॉब्लम हुई थी इन द. एंड पहली बार आई वाज प्रोड्यूसिंग, तो थोड़ा वो होता है कि अच्छा आप तो एक्ट्रेस हैं अब आप. सो दे, बट दैट्स ओके. आई थिंक कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना होता है अपने आप को, एंड इफ़ द स्टोरी इज़ गुड इनफ देन यू नो. बट जी हम एक महीना पहले आ रहे हैं, लेकिन हमारी फिल्म एक रियल स्टोरी है. आई थिंक गोल्ड इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स, तो वो ड्रामेटाइज्ड है थोड़ी सी, लेकिन अगेन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट है. सो दैट्स ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिल्म टू वॉच. यस. यू नो, सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो हमको चाहिए था वो दिलजीत से था, और तापसी से भी, कि वो हॉकी सीखे, यू नो, क्योंकि इट्स नॉट लाइक क्रिकेट कि सबने खेला होता है. सो दिलजीत ने कभी हॉकी शायद पकड़ी भी नहीं थी, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने करी है संदीप के साथ, उन्होंने एक महीना ट्रेनिंग करी, वेट लॉस करना था जब रिहैब में जाते हैं, फिर वेट गेन करना था. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ सपोर्ट एंड आई थिंक डेडिकेशन दैट वी वॉन्टेड, जिससे कि वो सच्ची लगे कहानी. एंड इवन तापसी ट्रेन, यू नो, सो दैट दे गेव अस कम्प्लीटली. सो उससे बहुत बहुत हेल्प होती है टू द फिल्म and how it's looking now. So yeah. So what next story is coming on your mind? What are you going to write? मैंने एक लिखी है, एक love story है और एक thriller है, दो हैं. So दोनों अभी actually एक locked है completely with dialogues, दूसरे पे थोड़ा काम है. So let's see, I don't know, like God willing. Starcast finalized? No, so now I will start setting it up and hopefully sit here and talk to you people very soon about that. Yeah, very excited. आई नो, जब मुझे सोनाली के बारे में पता चला, इट्स आई डोंट नो, मतलब कोई क्या कहे, बस ऐसा ही लगता है कि सडनली आपको लगता है कि यार आप इतना भाग दौड़ रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एवरीथिंग इज़ अबाउट ऐसे ही, लाइक एवरीथिंग कैन जस्ट